सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एंड ये कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट जो मैं जिस टाइम में व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, कुछ क्लिप मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ एंड बताना चाहती हूँ कि क्या रीजन से जो वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो इस बीच में हमारा एनिवर्सरी भी गया, प्रवेश का बर्थडे गया, क्रिसमस गया और न्यू ईयर तो अब शुरू हुआ है। सो मैं सोच रही थी कि जो हाइलाइट्स हैं, जो छोटे छोटे क्लिप हैं, वो आप लोग से शेयर करूं। और लास्ट जो आपने व्लॉग देखा था, वो देखा था बुआ जी ने कुछ अचार बनाया था और मैं घर पे थी और उसके बाद मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। सो बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, बहुत बहुत कुछ। तो जब मैं घर गई थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वापस से वो स्टोन वाला प्रॉब्लम ज़्यादा था। एंड कहीं मुझे मतलब मैंने अपना ट्रीटमेंट चेंज किया, काफ़ी कंसल्ट वगैरह करी, काफ़ी सारे स्टोन्स हैं मेरी पित्त की थैली में। सो वो काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो रखा था और उसके साथ साथ मैं PCOD से सफ़र कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे, मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, जो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो एक हार्मोन्स इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम होती है। तो वो मुझे मतलब काफ़ी मैं उसमें चीज़ें फेस कर रही थी इस टाइम पे। वही मेरी दवाइयाँ वगैरह उसकी चल रही है, अभी स्टिल चल रही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मतलब ये सब चल रहा था साथ साथ में, मैं यहाँ घर आई तो एनिवर्सरी भी इस बीच हमारी चली गई थी। तो दवाइयों की साइड इफेक्ट, दो दो चीज़ों की दवाइयाँ खा रही हूँ, तो खुद में मुझे मतलब बहुत लेजीनेस और बस ऐसा मन करता रहता था कि पढ़े रहूँ, या फिर कुछ वर्कलोड भी होता है, मतलब मेरा बिल्कुल खुद से ही मन नहीं कर रहा था। और मैं मतलब आप 5-10 मिनट के लिए वीडियो देखते हो, उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें ना मिलें तो मुझे लगता है, और मैं कोई मतलब सिंपैथी भी नहीं मुझे चाहिए थी कुछ ऐसा कुछ। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बनाने चाहिए, तो मैंने थोड़ा 5-6 दिन का गैप लेने का सोचा। उसके बाद हुआ क्या, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर जो अब नहीं है, सो वो वाला फेस था उस, मतलब मेरा भैया का बेटा था तो वो अब नहीं है। मतलब वो भी 6-7 दिन इतने गंदे थे कि मतलब मेरी कजिन की शादी थी, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे, इतने खुश थे सब कुछ, घर जाने वाली थी, नेक्स्ट डे पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, मतलब शादी भी कुछ नहीं हुआ और इतना मतलब 10-15 दिन बहुत गंदे गए। मैं अपने भतीजे की फोटो इसमें जरूर ऐड करूंगी, बहुत प्यारा बच्चा था। बच्चे तो खैर सारे प्यारे होते हैं, लेकिन सच में मतलब बहुत गंदा टाइम गया वो। देखो मतलब होती है ना चीजें, ऐसे चलती रहती हैं माइंड में। सो बहुत टफ टाइम था वो वाला भी। भले ही आप शादी के बाद सब चीजें दूर हो जाती हैं, आप दूर हो जाते हो, मिलते नहीं हो, लेकिन यार मतलब फैमिली तो फैमिली होती है ना। सो वो वाला गंदा टाइम पीरियड था। उसके बाद फिर मम्मी पापा भी आए 1 हफ्ते रहने के लिए। उस टाइम पे भी मैं स्टिल मतलब वीडियो बनाने की उसमें नहीं थी, तो इस चक्कर में पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, बस कुछ पता ही नहीं चला। फिर एनिवर्सरी ये वो थोड़ा बहुत, इस बार हम कहीं ट्रिप पे भी नहीं गए क्योंकि मैं बेटर ही नहीं फील कर रही हूँ, तो ट्रिप पे भी जाके कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए मैं न्यू ईयर ट्रिप पे भी नहीं गई। एनिवर्सरी पे हम हमेशा बाहर जाते, तो वो भी मैंने इस बार कुछ ऐसा प्लान नहीं किया। बट मेरे को लगा कि क्योंकि इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए मेरे को, यूट्यूब पे आए कि भाई क्यों व्लॉग नहीं आ रहे हैं, या बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कंसर्न हो। एंड स्टिल अब मैं न्यू ईयर से कोशिश करूंगी कि हर रोज आप लोग से शेयर करूं। अभी भी मेडिकेशन पे हूं मैं, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आप जैसे सपोर्ट कर रहे थे फिर से मुझे वैसे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेशन देंगे कि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं, अच्छे से चीजें शेयर करूं। एंड चलो आप अभी इंजॉय करना, सबसे पहले एनिवर्सरी की मैं थोड़े हाईलाइट शेयर करने वाली हूं, उसके बाद प्रवेश के बर्थडे के, और फिर प्रवेश के बर्थडे के बाद क्रिसमस के हाईलाइट्स, एंड देन लास्ट जो अब ईद गई है, मतलब लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, वो इस ब्लॉग में मैं डालने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छा लगेगा। सो अभी आप जो देख रहे हैं ये एनिवर्सरी की क्लिप है, जिसमें मैंने प्रवेश को गिफ्ट किया था, तो गिफ्ट में मैंने उनको दी थी रिंग इस बारी। सो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ मिलने वाला है।
तो बहुत इस बार मुझे भी बहुत ज़्यादा यू नो सरप्राइज हो गई थी, मैं अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मांग रही थी वॉच चाहिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं यार टाइम के साथ चीज़ें, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। प्रवेश लेने आए थे मुझे और साथ में गिफ्ट भी लेकर आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और इस टाइम में वो बीमारी वाला टाइम चल रहा था, तो वैसे मुझे ना ऐसे पंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम ये ऐसी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट मिलते हैं यार, खुशी मिलती है अलग ही, है ना। तो वही सब चीज़ें थी यहाँ पे, और मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो आप, यहाँ गिफ्ट्स की मैं खोले जा रही हूँ। मिल गया है एनिवर्सरी का गिफ्ट, एडवांस में एनिवर्सरी है कल, और मेरे को भी मिल गया है, जिसे मतलब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं वो था तो आई नहीं, उससे पहले ही खोल दी है। दिखाओ दो रिंग, कैसी लगी? बढ़िया, खुश। और यहाँ प्रवेश पाते ही गिफ्ट मिल रहे हैं, हर बार मैं यहीं आके जाता हूं। और ये ट्रायल में लग गया आते ही, है ना, आते ही ट्रायल बढ़िया लग रही है, मस्त लग रहा है एकदम। थैंक यू। अच्छा जी, और शाम का टाइम था, पहुंच गए थे हम गुड़गांव, और उसके बाद गए हम डिनर डेट पे। तो ये वो डेट वाला ही क्लिप्स हैं, इसके अंदर आप देखोगे जो काफ़ी प्यारी सी एक जगह थी, हमने आराम से कैंडल लाइट डिनर किया, पिज़्ज़ा खाया, पास्ता खाया और ड्रिंक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि यार एक बहुत स्पेशल दिन होता है आपके लिए ना, एक यू नो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल, सो बस वही हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी की कुछ क्लिप्स हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे थे। मैं वो फ़ोटोज़ वगैरह एक दो क्लिप साथ में ऐड कर दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। सो बर्थडे के बाद अब बारी आती है प्रवेश के बर्थडे की, जो था 16 दिसंबर को, तो उसी की मैं क्लिप दिखा रही हूँ अभी आपको। यहाँ प्रवेश कर रहे हैं अपना केक कट, और ये मैंने छोटी सी बहुत कम मिनिमल चीज़ों से डेकोरेशन करी थी बालकनी में। ये सारा रात को मैंने प्लान किया, लेकिन मैं ये मैं जग नहीं पाई और मैं सो गई, और फिर मेरी आँख खुली सुबह सीधा, तो फिर हमने मॉर्निंग में ही केक कट किया था इनका। तो बस बहुत कम इतना कुछ खास किया नहीं इस बारी, जो था यही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप उनको विश कर देना, कोई नहीं रिलेटेड हो जाएगा बट कर देना ज़रूर। एंड यहाँ मैं अब पिक शेयर कर देती हूँ कुछ उनकी, कि उनकी खुशी का क्या ठिकाना था वो तो पता चले ना, तो वो फ़ोटोज़ में आगे आपको दिखेगा। मैं फ़ोटोज़ कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये थी कुछ पिक्स बर्थडे की, और जिसमें प्रवेश पूरे पोज वोज दे रहे हैं अच्छे से। कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, उनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। बढ़िया, एक नंबर, मस्त। सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है? ये कटलेट। तो हैश ब्राउन नहीं था ना, इसलिए मैंने आलू और मटर इनको मैश करके और एयर फ्रायर में डाल दिया, तब तक मैंने चीज बनाई ना, तो ये अच्छा बना होगा। इसमें मैंने डाला है पालक और नहीं बस पालक और वो क्या बोलते हैं उसको, लहसुन, बस दो चीज। बढ़िया करो, एंजॉय। तो सबसे पहले तो सभी को मेरी क्रिसमस, अच्छे से एंजॉय करें। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और हम जा रहे हैं बाहर, संडे है, तो वैसे प्रवेश लेट हो गए, 7 बज गए हैं पूरे। तो बस मैं जा रही हूँ नीचे, प्रवेश आ गए हैं, अभी कॉल आया उनका, उनसे नीचे मिलवाती हूँ आप लोगों के लिए जाके। सो प्रवेश आ गया है, और प्रवेश भी मेरे वाला कोल्ड कफ हो रखा है इनको पिछले 5-6 दिन से, और सेंटा बने हुए पूरे रेड ग्रीन, मैंने बनाया है रेड और व्हाइट। तो अब हम जा रहे हैं डिनर पे, क्रिसमस पे दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट। हाँ, काफी कुछ हुआ, वो बाद में बनकर डिस्कस करेंगे क्यों नहीं क्या था, बाकी अब नया साल शुरू हो रहा है। सो वैसे भी बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे प्यार करने वाले तो पूछते रहते हैं ना, सो मैंने कहा चलो बनाते हैं, जा रहे हैं दोबारा स्टार्ट कर दिया।
यम्मी सा लग रहा है, फटाफट ही खाते हैं हम लोग। यहाँ हम क्रिसमस डिनर कर रहे हैं अपना, टाकोज लेकर आई हूँ मैं। परमेश ट्राई, कैसी है टेस्ट? टेस्ट अच्छा। सीट नहीं मिल रही थी लेकिन बैठने के लिए, हमें इतनी रश हो रखी है। यहाँ जाते जाते मैं आ गई हूँ कैंडी शॉप में, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, ये वाली बहुत ज़्यादा यम लग रही है। यहाँ पे मैं परवेश का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ नेक्स्ट डे क्रिसमस से। एंड यहाँ मैंने बॉयल कर लिया दूध और इधर मैंने बनाई गार्लिक ब्रेड, बन के एकदम रेडी है। थोड़ा सा और कर देते हैं, तो 30 मिनट रह गए। अब गार्लिक ब्रेड देख सकते हो कितनी यम बनी है। विंटर्स में तो बहुत इजी और बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट होता है, तो परवेश को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए